थाना में यूथ वीरांगना संस्था के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए यूथ वीरांगनाओं ने सिलाई कढ़ाई व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सेंटर का शुभारंभ किया गया। टोहाना में हरपाल चौक पर खोले गए इन सेंटरों का शुभारंभ वार्ड 11 से पार्षद सुखवीर कौर ने किया। इस दौरान पार्षद सुखवीर कौर ने कहा कि यूथ वीरांगनाओं के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है और युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। वहीं इस बारे में यूथ वीरांगना सदस्य साक्षी मेहता ने बताया कि उनकी संस्था पूरे देश में सामाजिक कार्य कर रही है और उनका लक्ष्य युवाओं का मार्गदर्शन करना है। साक्षी मेहता ने बताया कि यूथ वीरांगनाओं के द्वारा निःशुल्क सिलाई कढ़ाई व ब्यूटी पार्लर सेंटर खोले गए हैं जिसमें लड़कियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सिलाई सेंटर यूथ वीरांगना है जो कि एक संस्था दिल्ली से रजिस्टर्ड है, उसके तहत ही शुरुआत की है। हम यहाँ पर सिलाई सेंटर, स्टडी सेंटर और फ्री ब्यूटी पार्लर सेंटर की शुरुआत करें, उसी के तहत पहला हमारा ये सिलाई सेंटर है। इसमें कोई भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले सकता है, चाहे वो घरेलू औरत है, चाहे वो बच्चे हैं। वो शाम को हमारा सिलाई सेंटर चल रहा है और जैसे कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है तो इसकी सेलिब्रेशन में आज हम अपना ये सेंटर खोल चाहते हैं कि जो लड़कियाँ हमारे प्रशिक्षण में सीखने आती है वो अपने आप डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ डिपेंड में अपने आप खड़ी हो सके, मतलब आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि मतलब उन्हें कुछ सीखना पड़े या फिर उन्हें कुछ बोलना पड़े। हम कहना चाहते हैं कि जो ये नई संस्था खोली है बहुत अच्छी है, बच्चे अच्छे से सीख सके और जो गरीब वाली बच्चे जो ये सेंटर सिलाई सेंटर लिए, हम ये कहना चाहेंगे जो यूथ वीरांगना जो सेंटर है बच्चों के लिए खोला है बहुत अच्छा है और जो बच्चा सीखना नहीं चाहते हैं उनको बहुत अच्छा मदद मिलेगी। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के जो लड़कियां हैं जो नहीं सीख पाती यहाँ सीख जाएंगी, ये संदेश देना चाहेंगे। जैसे लोग यहाँ पर सिलाई सीखने की इच्छा तो बहुत लड़कियों के अंदर होती है बट पैसे की कमी के कारण बच्चे सीख नहीं पाते, तो हम उनके अंदर के हुनर को जगाना चाहते हैं और जो भी यहाँ से सीख के जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ है, वो आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा, आगे उसको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने खुद के सिलाई सेंटर्स को